نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اور گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی وہ ایک
दिया बुझा तो सैकड़ों दिए जला गया। वो एक दिया बुझा तो सैकड़ों दिए जला गया। और अब एक हुजूम में आशिकां है हर तरफ रमा दमा। अब एक हुजूम में आशिकां है हर तरफ रमा दमा। एक राह नवर्द खुद को काफला बना गया। एवें ते कीमत पैंदी नहीं कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। एवें ते कीमत पैंदी नहीं कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनन लई कैदा विच रहना पैंदा है। कतरे नू मोती बनन लई कैदा विच रहना पैंदा है। मखादीम सादात किराम पीरान इज़ाम साहेब सदर गिरामी कदर पीर तरीकत रहबरे शरीयत हुजूर किबला हजरत किबला पीर सैयद गुलाम नसीरुद्दीन शाह साहेब दामत बरकातहु को मुलालिया मेज़बान मोहतशम इज़्ज़त माब अलहाद बशीर अहमद साहेब और उनके फरजंदान मेरे बरादर अजीज़ हजरत अल्लामा कारी इमरान इलाही साहेब सियालवी दीगर खुश नसीब खुशबख्त तमाम अहले ईमान बरादरान मुझसे कबल अजीज़म साहिबजादा साहेब ने बहुत खूबसूरत बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन इस अर्ज वतन को नजर बद से सलामत रखे। हजरात गिरामी मेरे जिम्मे जो उन्वान है वो है इश्क रसूल। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस्लाम का जो असलुल उसूल है वो सिर्फ इश्क रसूल है। बाकी जितना झगड़ा है वो या तूल है या फजूल है। हमारा माथे का जेवर इश्क रसूल है। मगर मामला ये है कि इश्क ये इस कायनात की महंगी तरीन मता है। ना ये हर शहर में मिलता है ना ये हर बाजार में मिलता है ना ये हर दुकानदार के पास मिलता है। ये सौदा बहुत ही खास होता है और किसी किसी के पास होता है। इसीलिए कहते हैं इश्क करम दा अजली कतरा तै मैं दे वस नाही। हिकना लबियां हाथ ना आवे हिकना दे विच राही। ये जो अल्लाह और उसके नबी का इश्क होता है ये खाले सतन फजल खुदा है। और कुरान मजीद ने छठे पारे सूरह मायदा में इरशाद फरमाया कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह। ये जो मोहब्बत की मता है ये जो इश्क का सरमाया है ये
अल्लाह ताला की खालिस अता है, ये न माथे रगड़ने से मिलता है, न दर दर फिरने से मिलता है, और न ही औरादो वजायफ से मिलता है, ये अल्लाह की अता से मिलता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बारिश जब समंदर के सीने पे बरसती है, सिर्फ एक कतरे के नसीब में होता है कि ये मोती बनेगा। बारिश रिम झिम बरखा जब बरसती है, उस एक तरसते को, एक कतरे को हर समंदरी जानवर की जात तरसती है, पता नहीं ये रहमत किसके मुंह में बरसती है। जब बारिश समंदर के ऊपर आती है, हर शय समंदर की मुंह खोल के सतह समंदर की तरफ आ जाती है। इसी लालच और लगन में शायद वो अब्र नैसां का कतरा मेरे मुंह में आए, मगर मच्छ भी मुंह खोल के आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी बड़ा बड़ा मुंह खोल के आती हैं, मेंढक भी मुंह खोले होते हैं, घूंघे भी मुंह खोले होते हैं, हर चीज मुंह खोल के आती है, लेकिन कुदरत की खालिस अता है वो सदफ, वो सीप जो समंदर की तह में सो रहा है, फैसला उसके हक में हो रहा है। अब घूंघे रह गए, मेंढक रह गए, मछलियां और मगरमच्छ रह गए। जब वो बारिश का कतरा आया, कुदरत ने उस सदफ को समंदर की तह से उठाया, उठा के उसे खुद ही बाहर लाया, छोटा सा मुंह खुलवाया, कतरा उसके मुंह में टपकाया, वो फिर नजर ही नहीं आया। अब बड़े बड़े मुंह वाले, बड़े बड़े मुंह वाले रह गए, और वो अमानत कौन ले गए? बिल्कुल उसी तरह जैसे गाजी इल्मुद्दीन ने जब राजपाल को मिट्टी में मिलाया, खाक में मिलाया, खाको खून में तड़पाया, और इज्जत का ताज जब उसके हिस्से में आया, और वक्त के गौस कुतुब अब्दालू ने उसका जनाजा कांधों पे उठाया, तो हजरत अल्लामा इकबाल ने रो के फरमाया कि असा गल्ला कर दे रहे दरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। क्या अब भी आप यकीन नहीं फरमाते कि ये अल्लाह की अता है? अल्लाह ताला ने न कोई कुरैशी ढूंढा, न कोई हाशमी ढूंढा, न कोई राजा ढूंढा, न कोई खाजा ढूंढा, माफ करना, न कोई जाट ढूंढा, न कोई बट ढूंढा, रब ने न कोई मियां ढूंढा, न कोई तुम्मुनदार राठ ढूंढा, उसने एक बिल्कुल लड़का था सो अवारा, उसको दे दिया खास नजारा, उसने गुस्ताख नबी को मारा जो था अवारा, ताकि उलमा हजरात को भी पता चल जाए कि आप ही दीन के ठेकेदार, पीर साहबान को भी पता चल जाए कि आप ही सतून नहीं है, वो जिससे चाहेगा। इस दीन को किसी ने टेक नहीं दे रखी,
ये सब लिख लें, चाहे कोई शेखुल इस्लाम हो, चाहे शेखुल कुरान हो, चाहे कोई शेखुल हदीस हो। ये दीन किसी का मोहताज नहीं, ना इसको किसी वजीर आजम ने बढ़ाया है, ना किसी प्रेसिडेंट ने इसे आगे चढ़ाया है। ये अपने कस बल पे यहां तक आया है। इसका सदका सब ने खाया है, इसने सबको खिलाया है, इसमें कोई शक की कोई बात। इसलिए कुदरत जिसको चाहेगी उसके सर पर ये हुमा बैठ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये रहमत का कतरा, उसको झोली फैलाकर सबने मांगा था, लेकिन रब ने चाहा कि ये कतरा जिसकी किस्मत में मोती बनना लिखा है, हम उसको अता फरमाएंगे जिसको एक नुकर में खामोश पाएंगे, उसे खुद उठाएंगे, खुद सता पे लाएंगे, उसका मुंह खोलेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। इसलिए जितनी भी ये हमारी हसीन तारीख है, उसमें इश्क जब भी आया है, इसने चौधरियों का कुंडा नहीं खड़काया है, इसने बड़े बड़ों का कुंडा नहीं खड़काया है, कहीं बिलाल के रास्ते आया है। माजरत के साथ गुजरा वाले वालों, ये बताओ बिलाल कितनी फैक्ट्रियों का मालिक था? वहां बड़े बड़े राठ भी बसते थे, जिनकी गर्दन में सरिये नहीं गार्डर थे, वो भी वहीं थे। लेकिन ये तकसीम अजब है, ये उसको मिलती है जिसे देता रब है। गौर से सुन लें ये मालिक मिलों के, सौदे हो नहीं सकते दिलों के। अल्लाह जिसे अता फरमाता है इस दुनिया का ताजदार बन जाता है, अगर बिलाल को तक्के इश्क के मजे चखे, सलमान ना घर रहा, ना दर रहा, ना वतन रहा, ना सजन रहा, खाली तन का तन रहा। जितने उशाक हैं, जितने सीना चाक हैं, लगता है घर दर से पाक हैं, उन्होंने ही बेड़ा उठाया है। अगर मैं पिछली तारीख को देखूं तो यही कहती है। लेकिन इश्क की बुनियाद, इश्क की बुनियाद पहले दुख है, फिर सुख ही सुख है। इश्क का आगाज जो भी हो दुख है, लेकिन बाद में सुख है। जब ये आता है नींदे हराम फरमाता है, हर दुनिया के हर मुसाफिर के लिए आराम है, लेकिन अहले दर्द पर आराम हराम है। ये रुलाता है, ये मियां साहब कहते हैं जिन्ना दे मन इश्क समाना, रोना कम उना बिछड़े रोंदे, मिलदे रोंदे, रोंदे टुरदे रहा। खुबैब को देखें सूली पे लटकाया गया, लेकिन घबराया, कदम पीछे हटाया, सारा जमाना जुदा है, उसके मन में खुदा है, नजर में प्यारा मुस्तफा है।
लेकिन एक बात लिख रखें, दुनिया का हर इश्क बंदे को जलील करता है, दुनिया का हर इश्क बंदे को जलील करता है, लेकिन अल्लाह रसूल का इश्क है जो बंदे को जलील करता है। फर्क रखना है, अल्लाह और उसके नबी का जो प्यार है, उन प्यार करने वालों का बेड़ा पार है। उनके फैसले अगर आप करना चाहें तो ना आगाज में करें ना दरमियान में करें, उनके ऊपर जब कमेंट्स दें तो एंड पे अंजाम पे। मैं शायद नहीं समझा सका, जब अल्लाह और उसके रसूल के आशिकों के ऊपर फैसला देने बैठे, अपनी फिक्र का नतीजा मुरतब करना चाहे, ना आगाज तक के ना दरमियान देखें, अंजाम देखें। और हर चीज का दारो मदार अंजाम पे है। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नमल अमालो बिल खवातीम, तमाम आमाल का दारो मदार अंजाम पे है। अगर आप शुरू में भी आपने फैक्ट्री बनाई, बड़ा पैसा आया दूसरे महीने तीसरे महीने, लेकिन जब साल का एंड आया, आपने सारा हिसाब फरमाया, नतीजा 15 लाख नुकसान आया, आपने क्या कमाया? नतीजा ये है कि नतीजा अगर खराब है तो समझो खाना खराब है। अगर इंसान ने बचपन में नमाज ना पढ़ी, जवानी में सुस्ती कर गया, बुढ़ापा आया, फिर भी इसने कदम आगे न बढ़ाया, बस मौत का वक्त नेड़े आया, इसने रो रो के रब को मनाया, और मरने का वक्त जब आया, आंख से आंसू का तूफान है, होंठों पे ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बयान है, अब जान कुर्बान है, सलामत अगर ईमान है। नतीजा देखना चाहिए। और मैं कहा करता हूं कि मैं मुकर्रर हूं, मेरी तकरीर बोलती है, ताकत वाले की ताकत बोलती है, उसके पास ताकत है ताकत बोलती है, इल्म वाले का इल्म बोलता है। लेकिन याद रखो, आशिक नहीं बोलते, ना उनका इल्म बोलता है, ना उनकी तदरीस बोलती है, ना उनकी दौलत बोलती है, आशिकों के हमेशा जनाजे बोलते हैं। आपने समझा, आशिकों के जनाजे बोलते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए कि लोगों को, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आपको कुछ मेरा शर्म है, मुझे आपका शर्म है, ये चीज कमजोरी है। क्योंकि जब लोग एक दूसरे के पास होते हैं, रखते कुछ ना कुछ एहसास होते हैं, मजा तब आता है जब यार कब्र में उतरने लगे, आंख बंद हो गई, धड़कन थम गई, नब्ज टूट गई, रिश्ते छूट गए, जनाजा उठने लगा, अब आंख तक नहीं रही, पता सबको है वो चला गया,
पलट के आने वाला नहीं, कुछ नहीं देंगे गिला भी नहीं करेगा, अब किसी की मर्जी, बोले बोले न बोले न बोले, आए आए न आए न आए। या जनाजों पे इसलिए लोग आते हैं कि ये तो मर गया है, इसका भाई वजीर आजम है, या इसलिए आते हैं ये तो जा रहा है, इसके बाप की 6 मिले हैं, या इसका बाप अफसर है। लेकिन जिसका पता हो बिल्कुल मिस्कीन है, ना मिल है ना जमीन है, पर सीने में इश्क रहमतुल्लिल आलमीन है, फिर पता चलता है कि हर कोई खुद बोला लेकिन आशिका नहीं पाया रौला। जब लोगों ने उन्हें कंधे पे उठाया, और फिर मजा ये है, लोगों ने जब कंधे पे उठाया, वक्त की ताकत ने पहरा बिठाया, न टीवी बोले न अखबार बोले, वाह हुकूमत दियो ढोले, कितना बड़ा जबर है। जब वो शहीद जिस दिन गुजरा, रात को मैंने नवाए वक्त वालों से खुद बात की, मैंने कहा कि आप नाम क्यों नहीं लेते, कहने लगे कि अगर हमने इशारतन किनायतन भी एक सतर लिख दी तो हमारे ऊपर वो डिक्लेरेशन मंसूख हो जाएगा, हम तो लुट जाएंगे। मैंने कहा चलो नाम ना लो, शहीदे इस्लाम करो। कहते हैं ये भी इशारा उसी तरफ जाता है। मैंने कहा शुहदा इस्लाम करो, कहने लगे इशारा उसी तरफ जाता है, यानी इशारा तन भी नाम पे पाबंदी, हर तरफ इसकी जरूरत नहीं, वो बहुत पड़ रही है। अभी मैं बोलूंगा तो इंशाल्लाह आप पे फरिश्ते शुरू हो जाएंगे, आप घबराएं नहीं, लेकिन आप जरा वक्त का जबर देखें कि टीवी की स्क्रीन ब्लैक कर दी गई एक फर्द के लिए, अखबारात के धुएं निकाल दिए गए एक फर्द के लिए, कि कोई ना बोले कोई जुबान हरकत में न लाए। लेकिन जिस वक्त जनाजा उठा, सारी हुकूमत सर पकड़ के हैरान है, ये कैसे भरा पिंडी का मैदान है। कहां से आ गया इतना इंसान है, हर फर्द परेशान है, ये भूल गए, ये भूल गए कि ये कुव्वत ईमान है। तुम इश्तिहारी हो करोड़ों के इश्तिहार, हमारे गरीबों के पैसे से लगवाते हो, नाम कमाते हो, लेकिन आज फैसला हुआ तुम करोड़ों के इश्तिहार दे के भी दिल में जगह बना न सके। ये फैसला हुआ कि तुम स्वरूप को झुका सकते हो, अपनी ताकत और पावर से सर झुका सकते हो, सौदों के तन के सौदे कर सकते हो, लेकिन आज पता चला सरों को खरीदना और है, दिलों को जीतना और है। सर कहीं और झुके थे, दिल कहीं और बिके थे। हजरते बीबी आसिया फिरौन के घर में थी, जब रब का नाम लिया फिरौन ताकत में था, हुकूमत में नहीं हुकूमत वाला था, उसके पास ताकत थी, उसके पास हुकूमत थी, और वो मलका थी। इश्क का कमाल देख, वो मलका थी, पकड़ के जंजीरों में जकड़ के लाई गई। फिरौन ने कहा मेरे घर को आग लगी, मेरे घर के चराग से
तू मेरी बीवी हो के मेरी खुदाई का इनकार, तू हो गई मेरी सल्तनत की गद्दार। मैं तुझे वो सजा दूंगा, दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। उसने कहा जम जम के दे, एक बार नहीं हजार बार, मैं हूं दिल से तैयार। जितनी तेरे पैकां हैं मेरे सीने में उतार, तेरा लाख बार इनकार है, उस सच्चे रब का करोड़ बार इकरार है। सर पे तेरा कब्जा है, दिल पे किसी और का कब्जा है, यानी सर आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। सर आईना मेरा बस आई ना कोई और है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं, मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अगर सख्त जान किसान हो ना देहाती, उसको दो चार डंडे भी लग जाए तो बर्दाश्त कर लेता है। अगर गुजरां वाले के चीड़े खाने वाला हो या लाहौर के पावे खाने वाला हो या कराची के, नहीं नहीं चलो बाद में, ये नाजुक बदन ये सीमी तन ये गुल बदन शहरी बाबू, देहाती जरा सख्त जान है वो सह सकता है, लेकिन जो सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा होते हैं इनको मारना नहीं इशारा ही काफी होता है। बस इनको जरा अटक लो, थोड़ा सा झटक लो, बस इनको एक बूट दिखाओगे, इनको वहीं पे लम लेट पाओगे, फिर जद्दे देखते नजर आओगे। इनको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत, नाजुक मिजाज नाजुक बदन गुल बदन सीमी तन हमारे सजन। लेकिन याद रखें, बंदा हो नाजुक बदन लेकिन इश्क की दुनिया में जब आता है फौलाद बन। एक एक औरत दूसरा मलका वक्त की, तमाम नेमतों के समंदर में पूरी की पूरी गर्क, लेकिन ये है बंदे बंदे में फर्क। जब उसने इश्क इलाही का ताज सजाया, फिरौन ने पकड़ के दीवार के साथ लगाया, दीवार के साथ लगा के हाथों में लूहे की मेखें गाड़ के खून के फव्वारे फूटे, हौसले देखने वालों के छूटे, लेकिन मूसा कलीमुल्ला गुजरे ऐसे लगे थर थर्राने। बीबी की निगाह पड़ी, कहा मूसा पूछ मेरे रब से अब खुश है कि नहीं, पूछ मेरे रब से अब राजी है कि नहीं। मूसा ने कहा बीबी रब से पूछ चुका, रब फरिश्तों को बोल रहा है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल रहा है, तेरे हौसले तक के शैतान पूरी कबीना समेत डोल रहा है। नहीं समझे, पूरी शैतान पूरी काबीना समेत डोल रहा है, जिब्रील तेरे ऊपर रहमत के मोती रोल रहा है, रब फरिश्तों से बोल रहा है
कि मर्द तकने हूं तो जमीन पे तको, ओ फरिश्तो अर्श छोड़ो रहमत के पर जमीन पे रखो। बीबी ने वहीं दी सदा, कहा मूसा अगर वो राजी है तो फिर हम भी इस हाल में। बस इतना कहना रब ने ली, इंदा का बैतन फिल जन्नत व नज्जनी मिन फिरौन। सदके इस हजरत इश्क के ये जब आता है तो खवातीन औरत जो नाजुक बदन है, लेकिन जब हजरत इश्क आता है पहाड़ों से भी मजबूत कर जाता है। ये चींटियों को हाथियों से लड़ाता है, ये चिड़ियों को शहबाज पे गालिब कर जाता है, ये पाबंदों को अर्जुमंद कर देता है, ये मस्कीनों को सर बुलंद कर देता है, ये मर के भी जिंदा होता है और यजीद मार के भी इसे शर्मिंदा होता है। बात है मेरे नबी के इश्क की, मैंने कहा ना ये खुद नहीं बोलते, मेरे नबी के आशिकों के जनाजे बोलते हैं। एक जनाजा उठा था, वो भी हमारा इमाम था। अजब ये है कि मेरे नबी का हम नाम था, वो उम्मत का इमाम था, और मजा ये है कि वो इमाम मेरे नबी का हम नाम था। और कुदरत की उस फरिश्तों की दुनिया में बड़ा उसका नाम था, वो इतना सोना था, इतना सोना था, इतना हसीन था कि जब बाहर निकलता था चेहरे को ढांक के निकलता था कि किसी की नजर पड़ी कोई फितने में पड़ ना जाए, कोई अख लड़ ना जाए। इतना सोना, खैर उसकी वो दास्तान जुदा। पर जिस दिन जनाजा उठा, जिस दिन जनाजा उठा, तो जनाजा जब गलियों में आया, दारा शुकूह ने लिखा 40,000 ईसाई यहूदी बुद्ध परस्त आतिश परस्त 40,000 काफिर ने जनाजा तक के पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब 40,000 न हद न शुमार कुफार ने तोड़े जुन्नार, अपना ईमान दिया दीने इस्लाम पे वार, मुसलमान हुए हैरान, उनके पिछले हुए परेशान, ये अब किस की तबलीग से हुए मुसलमान। मौलानाओं को मान है कि हम ही दीन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दीन को तो जनाजे आगे बढ़ा रहे हैं। लोग दौड़े, 40,000 बंदा जिसने अभी कलमा पढ़ा, पूछा उनसे कि तुम इंप्रेस हुए किन से। उन्होंने कहा तुमने फिका के मसले लिए जैन से, एन से। उन्होंने कहा वे पागलो, वो तो खुद चिट्टी चादर ओढ़ के रिश्ते सारे तोड़ के मुख अल्लाह रसूल की तरफ मोड़ के कंधों पे सवार, अब हैं उधर जाने को तैयार। तुमने एन को तक के कलमा पढ़ा, कहा हां, कहा सबब बताओ,
सबब बताओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस जनाजा देखा और जरा सा मुखड़ा देखा, जरा सा मुख देखा मरने वाले का। कहा फिर कलमा क्यों पढ़ा? कहा मन से निकली सदा, अंदर से आई आवाज, जब हमने इस इमाम मुहम्मद को देखा, हमने देख के ये सोचा कि जब मुसलमानों का छोटा मुहम्मद ऐसा है तो मदीने वाला बड़ा मुहम्मद कैसा होगा। जब गुलाम मुहम्मद ऐसा है तो मुतलक इमाम मुहम्मद, छोटा मुहम्मद ऐसा है मदीने वाला, ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम, इसलिए नबी के आशिक बोलते नहीं उनके जनाजे बोलते हैं। ये मोहम्मद था आगे अहमद, सुभान अल्लाह, ये मोहम्मद हैं आगे अहमद हैं। जुर्म हुआ कि वक्त की हुकूमत से टकराया, अदालत ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया कि अहमद को लाया जाए, हाथों को जंजीरों में जकड़ा जाए, गले में तौक डाले जाएं, इसको बांध के गधे पे चढ़ाया जाए और पूरे बगदाद के बाजारों में फिराया जाए और बताया जाए ये हुकूमत का बागी है, ये हकूमत का गद्दार है, इसे हकूमत की सोच से इनकार है। ये नई सोच नहीं, ये पुरानी है, ये जबर भी पुराने जालमों की निशानी है, लेकिन यार इन्हें सलामत रखता है, ये भी उसकी मेहरबानी है। वक्त का इमाम अहमद, यहां सूफी बैठे हैं वो सूफिया के इमामों का इमाम, अगर कोई हदीस वाले बैठे हैं इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी, ये उसके दरवाजे के भिखारियों के भिखारी, इतना बड़ा इमाम हदीस का, तसव्वुफ का, बेशर हाफी जैसे लोगों के साथ जिसका यराना है फकीरों की बारगाह में आना जाना, इतनी बड़ी हस्ती इमाम अहमद की, लेकिन जालिम हुक्मरानों ने पकड़ा, पकड़ के जंजीरों में जकड़ा और गधे पे चढ़ाया, ऊपर गधे पे चढ़ा के बाजारों में फिराया ताकि रुसवा करो जलील करो, ऊपर कहा जल्लादों को तुम हाथ में उठाओ कोड़े और जरबे बदन पे लगाओ, बाजू तोड़ो पसलियां तोड़ो। वक्त का अजीम इमाम, अजीमत का इमाम, कोड़ों की जरबें पड़ती हैं, बाजू टूट जाते हैं, पसलियां कड़कने लगती हैं और चमड़ा फटता है, खून निकलता है, मुंह से खून जारी है और इमाम अहमद
आप बेहोश होके सवारी पे गिरते हैं बंधे हुए, फिर होश आता है तो इधर उधर तकते हैं, जमाना तमाशा देख रहा है। फरमाते हैं, ओ तमाशा देखने वालों, मेरा नाम अहमद है। जो जानता है मुझे वो जानता है, जो नहीं जानता जान ले मेरा नाम अहमद है। मेरी अब भी पुकार है, अब भी मेरी सदा है। ये जो पाक कुरान है ये सिफत खुदा है, मेरी अब भी यही सदा है। हुक्मरानों ने गलत कहा है, ये कुरान मखलूक नहीं सिफत इलाही है। मेरे खून का कतरा, बल्कि मेरे खून का हर कतरा तेरी तौकीर बनेगी। मेरे गिरते हुए आंसू से तेरी तस्वीर बनेगी। लाम ले चलो बंद बंद मेरा, सुने साई दा पलंग बनामने नू। ए लता मेरिया दे करो चार पावे, बाह रख लो बाह बनावने नू। वाला मेरिया दा वाण वटो, चम रख लो सेज बिछावने नू। अली हैदर शाह बाकी पिंजरा बचया, ए रख लो यार दे जाम पिलावने नू। लाजपाल 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 पीर सियाल पीर सियाल पीर सियाल सुभान अल्लाह अकबर। जब जुल्म ने अपनी जानिब से उन्हें अधमुआ कर दिया, जंजीरें खोल दी गई, रस्से खोल दिए गए, आप नीम मुर्दा होकर घर लाए गए, हुकूमत ने तब भी वही जबर किया, अब भी वही जबर किया। कहते हैं ना, वक्त अपने आप को दोहराता है, वक्त अपने आप को दोहराता है। हुकूमत ने उस वक्त पाबंदी लगाई कि कोई भूले से भी अहमद के हुजरे की तरफ जाता नजर न आए। लेकिन हुकूमत को पता न था कि सर पे कब्जा हो सकता है, पर इस दिल का खुदा भला करे ये नहीं इख्तियार में। पुलिस फौज चौराहों पे डट गई, लेकिन मखलूक से हर हर गली अट गई। दिल हुक्मरानों की ताक के उसके बीमार के पूछने वाले फट गई कि मखलूक आई कहां से। बाजार भर गए, गलियां भर गईं, और हुकूमत हैरान कहां से निकले इंसान। लेकिन हजरत इमाम अहमद का वहीं से जब जनाजा उठा, हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद, ये तीसरी सदी है हुकूमत के पाबंदियों के बावजूद, 8 लाख मर्द और 60,000 औरत जनाजे में खड़ी है। कितनी? 8 लाख मर्द और 60,000। कभी औरतों को भी जनाजे में देखा है? नहीं देखा। लेकिन आशिकों के जब जनाजे उठे,
100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 60,000 बीबियां जनाजे में पहुंची। लोग दौड़े, बीबियों खैर तो है, ये फर्जे किफाया है, आधे मर्द नहीं, कुछ भी पढ़ ले सब की तरफ से अदा। पर तुमने दीवारें तोड़ दी, तुमने घरों के फाटक तोड़ दिए, ये क्या है? कहा निकली थी कि हम मोहम्मद अरबी के देखें कैसा मतवाला है, देखें इस अंधेर नगरी में किसके चेहरे का उजाला है, किस से राजी कमली वाला है। यहीं से समझ जाओ प्यारो, दुनिया जिन्हें मिटाती है कुदरत उन्हें उठाती है। जिंद जब नबी के नाम लग जाती है, फिर जर्रे जर बन जाते हैं, कतरे समंदर बन जाते हैं, फिर मलका ते दरखाना दे मुंडे सिकंदर बन जाते हैं, फिर लोग नारे लगाते हैं, ना दारा अच्छा है, ना सिकंदर अच्छा है, इन सब से मोहम्मद का कलंदर। इकबाल, ये किसके इश्क का फैज़े आम है? इकबाल, ये किसके इश्क का फैज़े आम है? रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है। इस दुनिया में बड़े बड़े शाह आए, लेकिन शाहों को, बादशाहों को, बड़े बड़े तुमंदारों को, बड़े बड़े जर्नैलों को, बड़े बड़े मिलू के मालिकों को, और दुनिया की कौमों के बड़े बड़े सरदारों को, वक्त की, शबो रोज की, लैलो निहार की चक्की ने पीस के फना कर दिया, लेकिन बुल्ले शाह असा मरना नहीं। नहीं समझे? कभी लाहौर आए ना, लाहौर के रास्ते में एक रावी, रावी से पहले है शाहदर्रा, शाहदर्रे से पहले एक चौक, चौक से देखें बाएं, वहां सो रहा है एक, क्या नाम है, सुल्तान बादशाह दिल्ली का जहांगीर, उसके पहलू में उसकी नूर जहान, और ये जो है ना हमारे चापलूस हुक्मरान, उन्होंने 1000 के नोट के ऊपर जहांगीर के मकबरे का अक्स फोटो दिया हुआ है। क्यों? किस प्यार की वजह से? सिर्फ इसलिए कि ये इनके कबीले का आदमी है। दाता साहब का भी फोटो भी तो हो सकता था, दाता साहब के मजार का हो सकता था, लेकिन किसका दिया? जहांगीर बादशाह का, उसके मकबरे का, क्योंकि इनके कबीले का आदमी। वैसे तो इन्हें कोई मरने के बाद पूछता नहीं, इन्होंने कहा चलो अपने कबीले का है, इसका 1000 के नोट पे फोटो छाप दो, ताकि यूं दुनिया जाने पर 1000 के नोट के भी उसके मकबरे का फोटो छाप कर उसे जिंदगी दिला न सके। उसी लाहौर के रावी को करो पार, आगे आएगा एक फकीर का दरबार। ना हुकूमत थी ना सरकार, वो बस नबी के दर का गदा था, नबी के दर का गदा था। उसका बाबा मौला अली था, और उसका नाम खुद अली था। सदके जाइए, इधर जहांगीर है,
उधर सुनियों का पीर है। इसका हजार के नोट पे तुमने हुक्मरानों फोटो छपवाया पर कख हाथ ना आया। जब जाओगे मकबराए जहांगीर पे चंद कुत्ते नजर आएंगे या कुछ नशाई सुत्ते नजर आएंगे, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे जिन्होंने खाए टुकड़े तेरे रात के 3 बजे खत्म नहीं होते फेरे। कितने मैं गलत नहीं आख्या? इसी से पता चल जाएगा वो मेरे नबी का गुलाम बेहद बेअंदाज गया, लेके सीने में बड़े बड़े राज गया। कहते हैं मुमताज मुमताज गया, तुमने उसके ऊपर पाबंदियों को लगाया लेकिन नतीजा नजर आया। अब जिस दिन तुम मरोगे वो जीत गया तुम हरोगे। लिख रखो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, बस जिस तरह मेरे अजीज साहबजादा साहब ने अर्ज किया हम भी यही कह देते हैं बताए देते हैं कि नबी से प्यार ना करोगे, अगर नबी से बेवफाई करोगे जिस दिन मरोगे सारे कर्ज भरोगे। अब तुम बोलो कैसे डूब के तरोगे अगर बेवफाई मदनी से करोगे, क्योंकि दुनिया में नतीजा नहीं, नतीजा उस दिन आएगा जिस दिन जनाजा कब्रें बोलेंगी जनाजे। चलो शादर्रा तो औरली तरफ है, आगे अनारकली है। अनारकली में एक गली है जो मशरक की तरफ चली है। शुक्र है तुसी हंस पाए, सुभान अल्लाह। मैं तो समझा था तुसी वैसे तैयारी करके आयो है कि चुप ते सौ सुख। अल्लाह अकबर। अनारकली है ना जी, अनारकली में एक गली है, उस गली को जरा थोड़ा सा आप आगे मशरक की तरफ जाएंगे, इस तरफ एक कब्र को पाएंगे, उस कब्र के माथे पे लिखा है दिल्ली का लख दाता। दिल्ली का हफीज जालिंद्री कहता है कि एक दिन मैं वो था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का लख दाता। हजरत हफीज जालिंदरी कहते हैं मैं जो आया मैंने एक कुत्ते बदबख्त को उसकी कब्र पे पिशाब करते पाया। जालिंदरी कहता है मैं घबराया, खुदाया ये क्या नजर आया, मुझे फौरन अंदर से किसी ने समझाया देख एक वक्त का हुक्मरान है, कब्र की मिट्टी भी परेशान है, उधर देख जिधर ईमान है। रात के 3 बजे लाहौर सोया है, फकीर उसकी कब्र पे खड़े होके रोया है। एक ही होया है बुल्ले शाह की सदा आई, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, ओए गौर पे आ कोई हो। नहीं समझे, कुर्सी दे पावे दे वास्ते मरने वाले शहीद नहीं होंदे, शहीद कौन होते हैं? मेरा शाह हुसैन कहता है शाह हुसैन ओ शहीद कहां जेड़े मरण मित्रां दे अगे, नी सयो असा नैना दे आखे। उसे हक है शहीद कहलाए,
के मरते वक्त इधर रूह निकले उधर मदनी की दीद हो, ये मौत कैसे हो, ये क्यों ना ईद हो। वो इधर मुमताज उधर फरीद है, उसको भी दीद है इसको भी दीद है। जिंदाबाद मैंने कहा ना मौत फैसले करती है। जनाजे, एक आशिक था मेरे नबी का, नाम था जलालुद्दीन, रहने वाला था कौनिया का, मशहूर है रूमी। जब आखिरी वक्त आया रूह ने परवाज फरमाया, रूह का आखिरी लम्हा था, पूरी दुनियाए वहां पूरे रूम के मोमिन मुसलमान मशायख पीर फकीर आलिम सारे आए, आके उठाए हाथ, कहने लगो दो हमारा साथ। सब ने हाथ उठाए, कहा मौला रूमी को शिफा दे। क्या कहा? रूमी को शिफा दे, रूमी को हिचकी लगी थी मौत की। शिफा का नाम सुन के गुस्से से उठा, मौत को शिकस्त देखे उठ बैठा, देखा दुआ करने वालों को, कहा दोस्त बनकर दगा न दो। हाय हाय, मुझे दोस्त बनकर दगा न दो, मैं सदमाए इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दो, दोस्त बन के दगा न दो। उन्होंने कहा रूमी दुआ मांग रहे हैं रब से, अल्लाह तुझे शिफा दे। फरमाया दुश्मनों वाली दुआ न करो। कहा क्यों? कहा बस बीच में मौत का पर्दा अड़ा है, पर्दे के पीछे मदनी खड़ा है। गुलाम फरीदा लख ईद मने सा, जड़ा बिछड़े मिल सन माही। वो और होंगे जिन्हें डबो दिया तूने, कभी हमारी राह में आना भंवर बनकर। हुजूर शाजी इन्होंने इसलिए अचानक शब खून मार के रात को सजा दी ना जी, कि फांसी पे चढ़ाया। पूछा गया अदल वालों से, कलम वालों से, क्यों फांसी पे चढ़ाया? उन्होंने कहा फांसी का मतलब है सजा, सजा का मतलब है ताकि इबरत हो पिछलों को। इबरत का मतलब ये है कि कोई इस राह पे पांव न रखे, लेकिन इन्हें पता उस वक्त चला। सजा इसलिए दी गई ताकि कोई और इस तरफ कदम न बढ़ाए। एन दूसरी रात मेरी अपनी बात, मुझे एक एफए का तालिब इल्म मिला, मुझे कहने लगा हजरत जी मौत देते खौफ ही मुक गए ने। क्या? उस बच्चे ने कहा उस हजरत जी मौत दे खौफ ही मुक गए ने। मैं आख्या ओए भलिया मैनू समझ नहीं आई मुंडिया। उन्हें आख्या उस्ताद जी ओ मैं फेसबुक ते मुमताज कादरी हुरां दा जनाजा वेख्या है, मेरा भी दिल करदा है मैं मरां ते इंज ही मरां। मैं अपने आप नू थाम के बह गया, ए मुंडा की कह गया, ओ मलिक बाजी ले गया। ए एक नू मार के समझाना चांदे सन के कोई इस राह ते ना आवे, ते पर इन्ने जान वाले ने ते हर बंदे नू मुमताज बना छड़िया। हवाए हवाए जुल्म सोचती है किस भंवर में आ गई,
वो एक दिया बुझा तो सैकड़ों दिए, सैकड़ों दिए। अल्लाह जानता है कि मैं ये बात सच्ची अर्ज कर रहा हूं कि मुमताज ने जो काम किया हजरत गाजी ने, वो पूरी उम्मत पे फर्ज था। ये अपने उलमा से पूछें, लिखा है कि अगर कोई नबी की बेअदबी इशारतन, किनायतन, तहरीरन, तकरीरन, इशारा भी कोई कर दे बेअदबी का, तो वो भी अगर तौबा भी करे तो तौबा कबूल नहीं होगी। और ये जुमला लिखा है, अम्मल उम्मतो फयजिब अलैहिम कत्लुहू, उम्मत पे उसकी जिंदगी का चिराग बुझाना लाजिम है कि जो नबी की बेअदबी कर जाए। पूरी उम्मत पे फर्ज, लेकिन एक बंदा अदा करके गया है सबका। फिर मैं क्यों ना कहूं, कभी कभी तो यूं हुआ इस रियाज़े दहर में, एक फूल सारे गुलिस्तां की आबरू बचा गया, एक फूल सारे गुलिस्तां की आबरू। चाहने वालों ने यही चाहा था कि नाम खत्म, काम खत्म, लेकिन नाम भी खत्म ना हुआ, काम और बढ़ गया है, समंदर इश्क का और चढ़ गया है। पहले दरिया था, अब समंदर है, पहले एक सिकंदर था, अब हर मोमिन कलंदर है। यजीद ने यही तो सोचा था, यजीद ने यही सोचा था, यजीदियत ने यही सोचा था कि मेरी कुर्सी को दवाम रहे, हमें इस्लाम रहे न रहे, कुर्सी को दवाम रहे। कुर्सी के नशे में जो पलीद यजीद आया, उसने नबुवत के गुलशन को मिटाने का प्रोग्राम बनाया, और नबुवत के गुलशन के ऐन दरख्त के ऊपर उसने कुल्हाड़ा मौत का चलाया। थोड़ी देर के लिए मुस्कराया, लेकिन जब आंख को खोला, जहान बदला नजर आया, और तकदीर ने हंस के बताया, जरा तक देखा कि मेरे हुसैन का सर परदेश में, परदेश में नोके सिनान पे चढ़ा है। हाय हाय, तकसीम देखो, सर कट के नोके सिनान पे चढ़ा है, और यजीद तख्त पे बैठा है, लेकिन कैफियत अजीब रही कि उनका सर कट के नोके सिनान पे बुलंद है। आपने गौर नहीं फरमाया, सरे हुसैन, सरे यजीद, सरे तख्त। यजीद तख्त पे हकूमत में है, लेकिन फैसला देखो अजब रहा, सरे हुसैन, सरे नेजा, सर बुलंद रहा। सरे हुसैन, सरे नेजा, सर बुलंद रहा, सरे यजीद, सरे तख्त, सर निगूं ही रहा। ओए हुसैन पाक की मौत ने यजीद को जीते जी शर्मिंदा कर दिया, और उसी मौत ने हुसैन को ऐसा जिंदा कर दिया। अब गली गली, नगर नगर, हुसैन 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 है, बल्कि वलियों का नूरुल ऐन है, शाहे सकालैन है। और फिर ये आसमान या जमीन है, नारे लगाता मुइनुद्दीन है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन।
आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो इशारे होते हैं ये ज्यादा प्यारे होते हैं। नहीं समझ आए? जो इशारे होते हैं ये गुज्जी मार जेड़ी होंदी है ज्यादा असर कर दिए। तुसी खोल के क्यों? मैं सब कुछ कह गया। इसलिए वैसे भी समझदार जो पुलिस वाला होता है वो मारता भी है, दाग भी नहीं लगने देता ताकि मुकदमे ही ना बन सके। इसलिए यजीद का हाल देखो, यजीद का बादशाह वो रहा, तख्त पे वो बैठा था, लेकिन बताओ सदियां बीत गईं, नारा लग रहा है शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। फर्क ये है, फर्क ये है कि जिसने सारा घर बार करबला में लुटाया वो इमाम हुसैन है, जो एक सर लेके पिंडे में आया वो गुलाम हुसैन है। फर्क है ना? गुलाम ने एक सर दिया, इमाम ने सारा नगर दिया। फर्क होता है, लेकिन उसे मिटाने वाले मिटा ना सके। बल्कि कभी थे दौर के काबिल, कभी सरे मक्तल, सरों को नामे मुहम्मद पे वारने वाले। ओ प्यारे आ, नतीजा जब आएगा लग पता। जिंदाबाद। माशाल्लाह। हाँ, ये इस तरह गुज्जी मार दो ना, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आप अभी पत्थर उठाते हैं, कुत्ता पहले भागता है कि इन्हें मैंने ही मारना है। नहीं समझे जी? इसलिए सुभान अल्लाह, मैं आज का जो एहतिमाम है, ये मेरे किबला हाजी बशीर अहमद साहब और हाफिज ज़ियाउरन के भाइयों का काम है, मेरा इनको भी सलाम है। आज का सवाब पे सारा इन्हीं के नाम है। इतनी सोने महबूबों के जिक्र, इतना खूबसूरत एहतमाम, सुभान अल्लाह, किस किस का नाम आया, और जिब्रील से लेकर आखिरी फरिश्ते तक का सलाम आया। और अगर अल्लाह नजर दे तो हर तरफ फरिश्ते घेरे हुए हैं, अरवाह औलिया की मुतवज्जे हैं। सुनो तो किसका नाम आ रहा है, किधर किधर से सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, मेरा हुसैन क्या मिट सका? यजीद का नाम मिटा, यजीद का काम मिटा। 135 हिजरी आया, 75 साल ज्यादा से ज्यादा उसकी जो नस्ल थी, जो फसल थी, उसको मिटाने वालों ने ऐसा मिटाया कि उसके जितने चाहने वाले मिटाए गए, मारे गए, और मार के नीम मुर्दा लाशा बिछाए गए। आने वालों ने लाशों के ऊपर दस्तरखान बिछाए और यजीद की कब्र को जाके उखेड़ा। यजीद की लाश क्या मिलती? उसकी हड्डियां जो जली हुई हड्डियों को हथौड़ों से तोड़ा गया, तोड़ के निकाला गया, चौकों में लटकाया गया। और मैं उसी मुल्क शाम में गया, उसी शहर दमिश्क में गया, उसी दरबार की जगह पे मैं पहुंचा। मैं जिस वक्त जामे दमिश्क में दाखिल हुआ, मैंने देखा मखलूक मस्जिद की तरफ नहीं जाती, सीधी जा रही है।
मैं भी लकीर का फकीर पीछे चलता गया। एक जगह पे मैं जब आया मैंने पूरी मखलूक को मुड़ते पाया। मस्जिद का कोना है, इतनी सारी जगह थी और वहां लोग खड़े होके नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ रहे थे। मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने एक साहेब रीश जिसको मैंने इल्म वाला समझा, टूटी फूटी अरबी में पूछा, ये क्या जगह है? उसने कहा, ये जो छोटा सा जाला है, इस ताकचे में, इस ताक में बस 3 दिन के लिए पाक हुसैन का सर रखा गया था। आज तक दरूद है, सलाम है, वाह हुसैन तेरा मकाम है। जहां 3 दिन तेरा सर है, अब तक वो रहमत नगर है, वो खुदा का घर है। लेकिन मैंने पूरा शाम ढूंढा, मुझे यजीद की कब्र का निशान मिले। हाय हाय, पूरा दमिश्क गली गली ढूंढा, कहीं उस बादशाह का नाम मिले। मुझे उसकी कब्र का ना नाम मिला, ना निशान मिला, ना खाक मिली। लेकिन जिस गली में मैं आया, वहीं पे किसी ना किसी नबी की आल की बच्ची बच्चे का मजार पाया। मैंने वहीं मस्जिद में सर झुकाया, रब्बाब मुझे समझ में आया, जिंदगी में ना देखो मौत आएगी, आईना दिखाएगी, सारी बात खुल जाएगी, यजीदियत रुल जाएगी, दुनिया हुकूमत वालों को भूल जाएगी। लेकिन जहां तक जाएगी नजर, आएगा इन्ना शान आका हुवल अबतर। इसलिए इबरत के लिए इतना ही, लेकिन मैं हम नहीं भूल सकते ना काजी इल्मुद्दीन को, ना उसके बाद हजरत गाजी मोहम्मद मुमताज को, ना इसके जनाजे की नमाज को, ना उसके जनाजे की नमाज को। कमी हम में है, हम में रही, लेकिन जाने वाले तुमने जो करना था कर गए हो। तुम कब्र में नहीं, तुम मदनी के घर गए हो। ये जहन में रखो मेरी आखिरी बात कि एक गधा था, रहता मदीने में था, नाम उसका याफूर था, वो भी आशिके हजूर था। उसके सीने में भी नबी के इश्क का नूर था। जब महबूब ने पर्दा फरमाया, उसको किसने बताना था, वो हर दर पे आया, हर दर पे आया, जहां महबूब को बिठाता था हर दरवाजे पे आया, सर टकराया पर मदनी माही नजर। तू बेली ते सब जग बेली, ते ना बेली भी बेली, सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुन्नी पये हवेली। हैवान था, जानवर था, पर आशिक था मेरे नबी का। हर दरवाजा खड़काया, अबू बकर के दर आया, उमर के दरवाजे पे आया, हर दर खड़काया पर यार कहीं ना पाया। गुलाम फरीदा उठे की वसना, जिथे यार नजर ना आवे। यहां तक मस्जिद नबवी में ऐसे सर डाला, नजर ना आया कमली वाला। आखिरी उम्मीद थी उसे, जब हजूर कहीं नजर नहीं आते थे तो आखिर में जब ये जाता था,
बीबी फातिमा के घर नबी सही को पाता था, वहां दिल ठंडा हो जाता था, बस आखिरी सहारा ये दर था तुम्हारा। जब बीबी जहरा के दरवाजे पे आया, थर टकराया, दर खुला, आगे बीबी को रोते पाया, समझ गया सही मुख मोड़ गए, रिश्ते तोड़ गए, लद गया माही ते पा गया बेच फिक्रा, पाटी लीर पुरानी वांगू टंग गया बेच किकरा। अब उसने कहा जीना फजूल, छोड़ गए सोने रसूल, कट गए हमारे उसूल, जीना फजूल। अब उसने दौड़ लगाई मौत के पीछे, मौत आगे है वो हाय हाय। वारिस शाह इना आशका साध कानू, जरा खौफ नहीं जिंद गवावने दा। मुमताज कादरी की आखिरी रात थी, छोटे मासूम बेटे और हसरत अरमान भरी बीवी से मुलाकात थी, जिसे पता था कि आज रात ये रात फिर नहीं होगी, और ये मुलाकात फिर नहीं होगी, जिसे समझ आ गई थी कि आज सुहाग लुट जाएगा, आज जाहिरी रिश्ता टूट जाएगा, आज मेरा ये इकलौता यतीम हो जाएगा, आज बाप के सर से, बाप का साया सर से उठ जाएगा, अपने बच्चे को वो नौजवान बीबी जिसने हजारों ख्वाब बुने थे, हसरतें अरमान पाले थे, आज बच्चे को लेकर पूरे खानदान के साथ जब अपने खामद के सामने आन बैठी, और खामद ने देखा कि बंद को बांध रहे हैं सारे, मगर क्या कीजे चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, पलकों के बंद टूटे फव्वारे आंख से छूटे, लेकिन हजरत मुमताज ने फट बोला, कहा मेरे सामने रो के मेरे हौसले घटाने आए हो या बढ़ाने आए हो, मैं मर नहीं रहा, मैं जिंदगी किसी के नाम कर रहा हूँ, राहों से तेरी गुजर रहा हूँ, अंगारों पे पाऊं धर रहा हूँ, मैं भी हूँ नसीर क्या तमाशा, जो ना हो सके वो कर रहा हूँ। बस मुमताज हुसैन का मेरी जान, वो तो हैवान था, याफूर हैवान था, भागा जंगल की तरफ, वो जो तुझ बिन न जीने का कहते थे हम, लो वो अहद हम वफा कर चले। भागते भागते मौला अली की नजर पड़ी, फरमाया लोग कोई से रोको, मगर उसने कहा उनके बगैर जिए तो किसके लिए, रहे दुनिया में तो किसके लिए। भागता भागता दुनिया भागी, मगर एक कुआं देखा, छलांग लगाई, ले ओ यार हवाले रब दे, ते जान दीती राह तेरे, हश्र तिहाड़े शर्मा रखी, परदे कज लई मेरे। कुएं में उतर गया, दुनिया ने कहा मर गया, यहां तक तो उलमा ने लिखा, सूफिया कहते हैं मौला अली ने गब्बास उतार दिए, उतरो निकालो मेरे नबी के आशिक को निकालो। जब उतरे गब्बास, उतरे बहर के शनावर, उतरे कुएं में,
हड्डियां निकाल लाए, पत्थर निकाल लाए, लकड़ियां निकाल लाए, पर इतना बड़ा वजूद न मिला। अली ने कहा वो किधर गया, हाय हाय वो किधर गया। सदा इश्क ने दी, उसने कहा ताल्लुक मुझे वो हासिल है तेरे कूचे की जमीन से, मरूंगा मैं कहीं भी उठूंगा वहीं से। लिख रखो गोजरा वाले वालों, मुमताज का बदन बारा कहू में है लेकिन रूह तुम्हें कहीं मदीने में मिलेगी इंशाअल्लाह। बंदे नहीं बोलते, जनाजे बोलते। बात अधूरी फिर करेंगे पूरी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।